ट्रेंड चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें टाटा टेली सर्विस के बारे में, टीटीएमएल के बारे में। धमाकेदार खबर आ गई दोस्तों, 4 करोड़ का धमाका हुआ आज, बाय और सेल देख लो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में टाटा टेली सर्विस का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने पहले भी बनाया है वीडियो टीटीएमएल का और अभी भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से एंड तक देख लेना। देखो आज 108 रुपये का हाई चला गया, मॉर्निंग में वोलेटाइल था, फिर सपाट अपर सर्किट में लॉक हो गया। अब सभी लोग देखो एक पल में 4 करोड़ शेयर है उठा लिए गए। अब सभी लोगों का यही क्वेश्चन है कि भैया टीटीएमएल में क्या होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, मतलब पहले तो इसका टेक्निकल देख लेते हैं एडवांस चार्ट के अकॉर्डिंग। देखो एक तो अपने सपोर्ट पर है, मतलब लास्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया था उसी सपोर्ट पर आज, ये है एक अच्छी बात है। दूसरी बात, आज मार्केट में 4 करोड़ आए, कल भी 4 करोड़ आए, लेकिन 1 करोड़ ले गए, यानी 10% माल लोग घर पे लेके जा रहे हैं। ये तो हमने नॉर्मल से नॉर्मल डिटेल ले ली। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हर बार मैंने आपको बोला है कि टीटीएमएल है ना, अब वो पेनी स्टॉक नहीं रहा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना आप। अब वो पेनी स्टॉक नहीं रहा है कि आप पेनी स्टॉक समझ के इसको बाय कर लो, ना ये एक बड़ी कंपनी बन गई है, बहुत बड़ी कंपनी। तो यहाँ से रिटर्न भी बड़ी कंपनियाँ देती है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, 21,000 करोड़ की कंपनी बन गई है ये, और 19,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का इस पर डेप्ट है, यानी अपने मार्केट कैप के जितना तो इस पर कर्जा है, प्लस अपने मार्केट कैप से ज़्यादा इसका माइनस में रिजर्व पड़ा है। और इस कंपनी की बुक वैल्यू माइनस में, मतलब आज तक इसने रिटर्न निकाल के नहीं दिया, जब से कंपनी शुरू हुई ने रिटर्न निकाल के नहीं दिया। सेल्स वगैरह कुछ खास देखने को नहीं मिली, क्वार्टर सेल्स माइनस में, सेल्स ग्रोथ 2-3% है, सेल्स वगैरह कुछ खास हो नहीं रहे कंपनी की। और कंपनी में लाइब्रिटीज कचरे 428 करोड़ का कचरा पड़ा हुआ है, जबकि एसेट 278 करोड़ का ही है। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1192 करोड़ का लॉस हुआ था। देखो दोस्तों, टीटीएमएल पेनी स्टॉक नहीं रहा, बड़ी कंपनी बन गई, क्लियर हो गया टॉपिक। दूसरी बात, कंपनी का फंडामेंटल चेक करें तो एकदम दलदल है, एकदम कचरा है, एकदम वीक है। कैसे, सबसे ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा डेप्ट है, इतना, ये तो टाटा की कंपनी हो है, वरना अगर किसी और कंपनी होती कब की एनसीएलटी में चली जाती, दिवालिया घोषित हो जाती, इतना तो डेप्ट है, इतना कच्चा है, सब कुछ है। अब आप बोलोगे भैया टाटा है तो एक मिनट में है, डेप्ट है, चुका देगा और चुका दिया, रात दिन का फ्रेक है। हाँ, टीटीएमएल के लिए मैंने आपको पहले भी अवॉइड किया, 300 था तभी बोला था प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अवॉइड कर लो, 280 था तभी बोला था, 200 था तभी बोला था, 250 पर था तभी बोला था, 150 था तभी बोला था, कि जिनके पास में है नीचे के लेवल में है वो लॉन्ग टाइम के लिए बने रह सकते हैं, लॉन्ग टाइम के रिटर्न निकाल के दे देगा, लेकिन अब आपको थोड़ा ही रिटर्न मिलेगा, बड़ी कंपनियां देती है वैसे ही। प्रेस एंट्री मत करो, चाहे रोज अपर सर्किल लग जाए, प्रेस एंट्री अवॉइड करो। दूसरी बात, हाँ अभी मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, हाँ ये कंपनी डेप्ट चुका देती है, केस आ जाता है, कचरा हटा देती है, तब अगर फंडामेंटल इसका अच्छा हुआ तो फिर से फंडामेंटल टेक्निकल चेक कर लेंगे, अगर बाय करने की सिचुएशन हुई तो बता दूंगा, अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो, सब कुछ इसका कचरा है, आगे आपकी मर्जी है, वीडियो नॉलेज के हिसाब से आपको देख लेना क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। फिर भी बता रहा हूँ, टीटीएमएल में वो रिटर्न नहीं मिलेगा जितना रिटर्न देना था, दे दी कंपनी, अब बस घुमाएगी आपके पैसों को। तो फ्रेश एंट्री भूल कर ना करें, जिनके पास में वो बने रहे, फ्रेश एंट्री ना करें बस, इस वरना ये आप किसी और स्टॉक में बाय कर सकते हो, पैसे लगा सकते हो पेनी स्टॉक में, यहाँ से उतना आपको रिटर्न निकाल के नहीं देगी, क्योंकि कंपनी का सब कुछ है इसका, देखो दलदल है। फिर भी देखो, वीडियो नॉलेज के हिसाब से एक बार आप भी स्टडी कर लेना दोस्तों, आगे आपकी मर्जी है। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक यू।